बीते दिनों हमने देखा कि कैसे देश भर में गणेश उत्सव की धूम रही। हर साल देश में त्योहार के इन 3 महीनों में भगवान की कई लाख मूर्तियां बनती हैं। हर साल हम देखते हैं कि गणपति उत्सव के बाद जब इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है तो ये पानी में डूबने की जगह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। जब ये मूर्तियां पानी में नहीं डूबती हैं तो ये पानी की सतह पर तैरती हुई काफी नुकसान पहुंचाती रहती हैं। वैसे ये तो खुद श्रद्धालुओं को भी सोचना चाहिए कि वो जिस मूर्ति को लेकर आए उसका सही से विसर्जन करने के तरीके को भी देखें। वैसे आजकल बॉलीवुड में इको फ्रेंडली गणपति का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, मगर फिर भी काफी कम लोग ही इको फ्रेंडली गणपति को लेकर अवेयर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी मूर्तियों में से लगभग 90% मूर्तियां प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी कि POP की होती हैं। वहीं जब पूजा पाठ और त्योहार बीतने के बाद जब केमिकल युक्त कलर्स वाली मूर्तियों और पूजा की सामग्री का विसर्जन किया जाता है तो ये देश भर के अलग अलग ताल तैलिया नदियों और समुद्र में प्रवाहित की जाती हैं। ये सब मिलकर ना सिर्फ पानी बल्कि पर्यावरण को दूषित करने का काम करती हैं। इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ हर साल गणेश पूजा हो या दुर्गा पूजा, सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। राज्य में पर्यावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने POP की प्रतिमाएं बनाने पर रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद भी गणेश उत्सव के दौरान राजधानी भोपाल में ही 80,000 से भी ज्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP की गणेश प्रतिमाएं बनाई गई। वैसे जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने ऐसी प्रतिमाओं को जब्त किया। सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए मूर्तियां बिकनी शुरू हो चुकी हैं। सड़क के पास फुटपाथों पर खुलेआम POP की मूर्तियां बेची जा रही हैं। ये प्रतिमाएं भले ही धार्मिक रूप से लोगों से जुड़ी हों, मगर ये कई तरह से पर्यावरण को जहरीला बनाने का काम करती हैं। वहीं पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान के बारे में PM मोदी भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो पूजा के लिए POP की नहीं बल्कि मिट्टी या प्राकृतिक चीजों की मूर्तियां बनाएं। हालांकि PM मोदी की इस अपील का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी बड़ी मात्रा में POP की ही मूर्तियां बनती हैं। देश की बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोमती की बात करें तो बीते कई दशकों के दौरान अलग अलग गैर सरकारी संस्थाओं ने इन नदियों की गुणवत्ता पर स्टडी की है। इस स्टडी में विसर्जन से पहले और विसर्जन के बाद की पानी की क्वालिटी की स्टडी की गई है। इसमें देखा गया कि आस्था का ये ज्वार नदियों के जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। अब दुर्गा पूजा भी पास है तो दुर्गा पूजा के आने पर हर गांव और कस्बे में लाखों पूजा पंडाल बनाए जाएंगे। इन पंडालों में भी लाखों मूर्तियां स्थापित होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि POP है क्या और क्यों इससे बनी मूर्तियां नुकसानदेह होती हैं। POP ऐसा मटेरियल है जो कभी खत्म नहीं होता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है जो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट से बनता है। आजकल ज्यादातर मूर्तियां POP से ही बनी होती हैं, जिन पर जहरीले और पानी में ना घुलने वाले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रंगों के कारण हर साल पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन में कमी होती जाती है। अब आपको बताते हैं कि हर साल कितनी मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। गणेश उत्सव की बात करें तो यहां हर साल 1.5 लाख गणपति की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जबकि कोलकाता में भी हर साल 15,000 से भी ज्यादा मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। इन मूर्तियों के साथ सिंदूर, सिंथेटिक रंग, थर्मोकोल और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्रियां भी पानी में विसर्जित की जाती हैं। ऐसे में पानी से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी होने लगती हैं। इंसान के शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस पानी को पीने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। दिमाग, किडनी और कैंसर जैसे अनेक बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। वैसे पर्यावरण को बचाने के लिए कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। त्योहारों पर मूर्तियों की जरूरत को देखते हुए इन्हें बनाने के लिए इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। पूजा सामग्री में प्लास्टिक या पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल या दूसरे सामग्री को भी गार्डन या पार्क में जाकर जमीन में दबाकर उसे कंपोस्ट करना, चढ़ावे के फूल अन्य सामग्री को जरूरतमंदों को बांटना, बिजली की जगह मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आज जरूरत है तो इन उपायों को ज्यादा से ज्यादा अमल में लाया जाए और अपने मूल रूप में रखने के लिए पूरी कोशिश की जाए। तो ये थी युगवार्ता से हमारी खास रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए युगवार्ता में पढ़े पंकज चतुर्वेदी का लेख। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।